मेरा
चित वो दिन रहनी है कि हे मेरे पाछा, मेरा मन तेरे दर्शनों के लिए तड़प रहा है। हे निरंकार, मेरा मन तेरे दर्शनों का प्यासा है, कृपा कर कोई संत मिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी कमाल की बात है, प्यास है प्रभु के दर्शनों की और मांग की गई है पूर्ण महापुरुषों की, संतों की। क्यों? क्योंकि संत जो खुद मिले हुए हैं वही मिला सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आस प्यासी चित वो दिन रहनी है, कोई संत मिलावे मेरा, है कोई संत मिलावे मेरा, है कोई संत मिलावे मेरा, से दुख विपरीत सबर पोतन मन चीत, आस प्यासी चित वो दिन रे मेरा।
गुरु नानक तुलाधार तोले सुख सगले। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने इस संसार के सारे सुखों को तकड़ी के एक पलड़े में डाल दिया और दूसरे पलड़े में उसके दर्शनों के सुख को रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पाशा फरमाते हैं कि दुनिया के सारे सुख एक तरफ रख कर भी वो पलड़ा हल्का रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात हो रही है उनकी जिन्हें दर्शनों की प्यास है, हमारे जैसों की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे कि चार प्रकार के जिज्ञासु आते हैं गुरु के पास। एक तो वो आते हैं जिनके मन की इच्छा होती है कि हमें धन की प्राप्ति हो जाए, कुछ मिल जाए। अगर नाम जपेंगे गुरु के पास आएंगे, बहुत सारा धन मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे वो आते हैं जिन्हें कोई तकलीफ है, उनकी इच्छा होती है गुरु के पास आएंगे हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे वो आते हैं अगर यहाँ पर आएंगे तो लोग वाह वाह करेंगे, वाह भाई अमृत वेले उठ के गुरुद्वारे में जाता है, कीर्तन सुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी उस्तत कराने आते हैं महापुरुषों के वचन। ये जो चौथे प्रकार के हैं जिन्हें दर्शनों की प्यास है, वो करोड़ों में से कोई एक होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करोड़ों में से कोई एक। दास जानता है हम सबकी वो अवस्था नहीं हो सकती, पर ये शब्द गायन करने का एक भाव है, पीछे एक मूल कारण है। हमें पता तो चले कि अवस्थाएं होती क्या है। ठीक है आज हमारी ये अवस्था नहीं है कि हम प्रभु के दर्शनों के प्यासे हों, नहीं है, पर मांग तो सकते हैं पाशा कि हमें चौथी अवस्था वाला बख्श। प्यार से बोले धन गुरु नानक कि चौथी अवस्था बख्श दे। आओ मांगे गुरु से। तुलाधार तोले सुख सगले, तुलाधार तोले सुख सगले, बिन हर तरस सब जी। वही बात, दर्शनों की प्यास है और मांग कर रहे हैं संतों के। विचार करने वाली बात है, बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, वही वचन कि कोई संत बैठा है, कोई जिज्ञासु आया, उसने फरियाद की कि संतों मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये मन की इच्छा है, और संतों ने पूरी कर दी बाबा जी के वचन। वो जिज्ञासु भी अधूरा, वो संत भी अधूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इच्छा पूरी कर दे आपकी, वो पूर्ण संत नहीं हो सकता, क्योंकि एक इच्छा पूरी करो दूसरी खड़ी है, दूसरी पूरी करो तीसरी खड़ी है, आदमी पूरा हो जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण संत क्या करते हैं, आपको नाम से जोड़ देते हैं, नाम से आपकी इच्छा पूरी नहीं करते, आपको इच्छाओं से ऊपर उठा देते हैं। गौतम बुद्ध का एक सिद्धांत है कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरो, कि इच्छा ही सारे दुखों की जड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण संत, पूर्ण महापुरुष आपको नाम से जोड़ देते हैं, आपकी इच्छा पूरी नहीं करते। ये पहचान है संतों की,
या पूर्ण महापुरुषों की पहचान होती है वो केवल और केवल बात करेंगे तो नाम की, केवल नाम। नानक कह घर केवल नाम। आस प्यासी चित वो दिन रे जब मैं महापुरुषों के साथ संतों के पास बैठकर मैंने प्रभु के गुण गाए तो क्या हुआ? जो सारे दुखों की जड़ है, जो मूल है, उन्होंने मूल को ही मिटा दिया। फिर से बोलिए धन गुरु। और सारे दुखों का मूल क्या है? जन्म और मरण। जन्म जन्म को जात बहोरा, उन्होंने मेरा जन्म मरण ही काट दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु। संत परसाद गाए गुण सागर, संत परसाद गाए गुण सागर, जन्म जन्म को जात it
प्यासी रे